तो नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड सेल के बारे में अपन देखेंगे क्या है। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ लिया कि भाई प्राइमरी इनिशियल आपका कॉन्सोलिडेशन क्या होता है कि, और आपका प्राइमरी या इनिशियल कॉन्सोलिडेशन क्या होता है और सेकेंडरी कॉन्सोलिडेशन क्या होता है। अब नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड सोइल क्या होती है, यानी ऐसी सोइल जिसको नॉर्मली कॉन्सोलिडेट किया कर दिया गया हो वो सोइल कौन सी होगी। यदि कोई सोइल है वो अपनी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, यदि उसके ऊपर अपन कोई स्ट्रेस लगाते हैं, एक्टिव स्ट्रेस लगाते हैं फर्स्ट टाइम, विच आर लोडेड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उस टाइम में, मतलब कि उससे पहले उसने कभी भी, इससे पहले अपन ने उसको कभी भी और उसके ऊपर अपन ने कोई लोडेड नहीं किया उसको, यानी अब वो कौन से इस लोड पे, जैसे सपोज करो कोई आपकी सोयल है, उस सोयल के अंदर अपन ने लोड तो लगाया लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोड है वो लोड उसने कभी भी इससे पहले इसमें हिस्ट्री के अंदर उसके ऊपर वो लोड नहीं आया। तो सच सोयल है वो एक बार क्या होंगी उस लोडिंग से हाई कंप्रेसिबल हो जाएंगी, ऐसी सोयल को अपन क्या बोलेंगे, ऐसी सोयल को अपन बोलेंगे नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड सोयल विच आर लोडेड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री टू द प्रेजेंट जो अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी आज की तारीख में जो अपन उसके ऊपर लोड लगा रहे हैं उस लोड पे वो कभी भी हिस्ट्री में, पूर्व हिस्ट्री में, यानी कभी भी इससे पूर्व में उसको वो लोड कभी भी अपन ने उसके ऊपर अप्लाइड नहीं किया, तो ऐसी सोयल है वो नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड सोयल कहलाएंगी। ठीक है, और इनमें क्या होगा कंप्रेसिबल भी ज़्यादा होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होंगी, हाई सेटलमेंट ऑफ लोडिंग होगी, हाई लोड के कारण फिर इसमें सेटलमेंट भी ज़्यादा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ये लोडेड होंगी। दूसरी तरफ होती है ओवर कॉन्सोलिडेटेड सोयल, ओवर कॉन्सोलिडेटेड सोयल कौन सी होंगी, जिनको अपन ने पास्ट हिस्ट्री में जिनको अपन ने पहले भी लोडेड किया है। ठीक है, अब आपका पहले का जो लोड है वो हो सकता है कि आज के लोड से ज्यादा होगा, क्यों, इसीलिए पूर्व के लोड में वो, पूर्व में वो इस आज की तारीख से वो पूर्व लोडेड है, पूर्व की फर्स्ट डेट में। तो अपन ये मान लेंगे जैसे सपोज करो कि कोई भी अगर बिल्डिंग अपन ने कोई भी एक तरीके से कोई भी आपकी सोयल है और उसके अपन ने कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रखी थी या अपन ने कोई ब्रिज बना रखा था। ठीक है, अब या फिर आप ये मान लो कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी नदी जा रही थी तो पानी का भी वेट था उसके ऊपर। अब सपोज करो उसमें पानी कम हो जाता है, अब पानी कम हो जाता तो इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी फ्यूचर में पास्ट में उसमें पानी ज़्यादा था, जैसे नदी की केस में अपन ये ले सकते हैं आराम से। तो अब जैसे आज अगर सपोज करो उसमें पानी कम हो गया तो इसका मतलब है पूर्व में वो ज़्यादा लोडेड थी और अब प्रेजेंट में वो कम लोडेड है, यानी प्रेजेंट में उसके ऊपर जो अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस है वो पास्ट में अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस से कम है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ऐसी सोयल जो होंगी वो आपकी वो ओवर कॉन्सोलिडेटेड सोयल कहलाएंगी और उसमें कंप्रेसिबल है वो आपका कम होगा, क्यों, क्योंकि वो पूर्व में कंप्रेसिबल हो चुकी है, इसलिए ऐसी सोयल है वो मोर स्टेबल होती है। तो स्टेबल सोयल में अगर अपन देखें तो ओवर कॉन्सोलिडेटेड वाली सोयल है वो मोर स्टेबल होती है बजाय नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड सोयल के। तो आपके जैसे नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड सोयल और ओवर कॉन्सोलिडेटेड सोयल में क्या डिफरेंस है या दोनों को डिफाइन कीजिए, तो उस केस में आपको क्या बताओगे कि नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड सोयल का मीनिंग ये है कि विच आर लोडेड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री टू द प्रेजेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी वो सोयल है वो फर्स्ट टाइम इतनी लोडेड हुई है इससे पूर्व में यानी पास्ट में उसको वो लोड है वो उसने लोड बियर नहीं किया है, ऐसी टाइप की सोयल हैं उनमें कंप्रेसिबल ज़्यादा होंगी और उसका सेटलमेंट भी लोडिंग से ज़्यादा होगा। और कॉन्सोलिडेटेड सोयल में ये होगा कि वो पूर्व में आज जो लोड लग रहा है वो लोडेड उसने पास्ट हिस्ट्री में भी वो लोडेड गेन किया है, अब उसने पास्ट हिस्ट्री में ये लोडेड गेन किया है तो आज की तारीख में अगर उसमें लोड लगता है, इफेक्टिव स्ट्रेस लगती है तो लेस कंप्रेसिबल होगी और इसका मतलब वह सोयल है मोर स्टेबल होगी। जैसे सपोज करो मैंने आपको बताया कि अगर आपको
कोई नदी है और उसके अंदर वो फुल फ्लैश पानी बह रहा है, और पूर्व में फुल फ्लैश पानी बह रहा है, तो इसका मतलब है कि उतने वाटर का वेट उसने उस सोयल ने गेन किया है। अब आज की तारीख में अगर उसमें से अगर आधा पानी भी रह जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वापस पानी उसमें आधा रह जाता है, तो इसका मतलब फुल अगर वो रिवर थी तभी उसने जो लोड आया है वो गेन कर लिया था, तो उसका सेटलमेंट है वो जितना होना था वो हो चुका। तो अब आधे पानी में फ्लो होने के कारण वो लेस ही कंप्रेसिबल होगी और इसका मतलब मोर स्टेबल होगी। दूसरी टाइप से ये कहें तो सपोज करो एक एक जगह अपने कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रखी थी, अब उसकी एज कंप्लीट हो गई, अपन ने उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को तोड़ दिया, अब वहाँ पे एक दूसरी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जिसकी बिल्डिंग का लोड आधा ही रख दिया पूर्व वाली से, तो इसका मतलब क्या होगा, पास हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा लोडेड थी, अब आज की तारीख में उसमें लोड कम आ रहा है, तो इसका मतलब वो लेस कंप्रेसिबल होगी और मोर स्टेबल होगी। दूसरी तरीके से अगर सपोज करो नई जमीन है बिल्कुल, उसके ऊपर पूर्व में कभी ऐसा कोई लोड आया ही नहीं, आज अपन ने उसके ऊपर बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, अगर वो फ्यूचर में पास्ट में इतनी लोड उसने कभी लिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में वो अगर वो फुली लोडेड होती है तो वो मोर कंप्रेसिबल होगी, डिपेंड करता है कि सोल की टाइप क्या है। तो इस तरीके से नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोयल और ओवर कंसोलिडेटेड सोयल है, उनको डिफाइन कर सकते हैं और उनमें डिफरेंस भी बता सकते हैं अपन दूसरी तरीके से। अब देखें ओवर कंसोलिडेशन का रेशियो क्या होता है, ओसीआर जिसको अपन बोलते हैं, तो अगर सपोज करो ओसीआर का मतलब क्या है कि मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट, यानी पूर्व में उसके ऊपर कितना मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस लगा था एंड प्रेजेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस आज की तारीख में कितना लग रहा है, इन दोनों के रेशियो को अपन बोलते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ठीक है, आज की तारीख में मैक्सिमम कितना लगा है और सॉरी मैक्सिमम अप्लाइड स्ट्रेस इन द पास्ट, पास्ट में मैक्सिमम स्ट्रेस उसके कभी कितना लगा है, और आज की प्रेजेंट की तारीख में उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस कितना लग रहा है, इन दोनों के रेशियो को अपन बोलते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। तो सपोज करो अगर बहुत ज़्यादा ओवर कंसोलिडेटेड सोयल है तो उसका रेशियो ग्रेटर देन 1 ही होगा। कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसको, पे अगर अपन कहें इस तरीके से, सपोज करो कि आपकी पास्ट में है और किसी सोयल पे ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड आ गया था, तो अपन मान लो कि इसके ऊपर स्ट्रेस है वो 10, ठीक है, अगर 10 किलो न्यूटन का लोड आया था तो सपोज करो कि उसके ऊपर अपन देख लें कि 10 किलो न्यूटन या 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस आया था उसके ऊपर, कभी 10 किलो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर का स्ट्रेस कभी आया, ठीक है, अपन ने ये फिक्स कर लिया एक बार कि भाई पूर्व में 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस आया, अब आज की तारीख में सपोज करो उसके ऊपर 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का रेशियो आता है, तो इसका मतलब पूर्व में तो पास्ट में तो ज़्यादा था प्रेजेंट में कम है, तो रेशियो 1 से ज़्यादा ही होगा। और ऐसी सोइल कौन सी होती हैं, ओवर कंसोलिडेटेड सोइल होती हैं, इसका मतलब जिसका ओसीआर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो वो सोइल कौन सी होगी, ओवर कंसोलिडेटेड सोइल होगी। फिर हैवीली ओवर कंसोलिडेटेड सोइल क्या होगी, जैसे सपोज करो 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आपका स्ट्रेस आया और फिर मैंने कह दिया कि भाई आज की तारीख में उसमें केवल 2 आता है या 5 ही आता है, तो उस केस में अपन को क्या करेंगे, तो अपन देखेंगे कि अगर अपन इसमें कहें कि भाई सपोज करो इसमें 4 आया, तो इसका मतलब 1 से बहुत ज़्यादा यानी 2 से भी ज़्यादा आ रहा, तो 1 से बहुत ज़्यादा रेशियो आएगा ओसीआर का, इसका मतलब ये हैवीली बहुत ज़्यादा ओवर कंसोलिडेटेड सोइल होगी, कि पूर्व में तो बहुत ज़्यादा था और आज की तारीख में प्रेजेंट में इसमें बहुत कम है। बात फिर दूसरी आती है थर्ड नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल ओसीआर, उसमें क्या होगा, आप सपोज करो कि मैंने कहा कि वो कौन से नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल क्या होती है, जो प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट टाइम ये लोड लेगी, तो ये सपोज करो प्रेजेंट टाइम में अगर अपन ये कह दें कि 10 पहले था और आज की तारीख में सपोज करो इसमें 15 किलो न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर का लोड आ रहा है, तो स्ट्रेस आ रहा है सॉरी, तो स्ट्रेस आया तो इसका मतलब इसका रेशियो 1 से लेस देन हो गया, इसका मतलब 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंट में ये लोड स्ट्रेस लेगी, तो इसकी वैल्यू ओसीआर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, तो ऐसी टाइप की सोल कहलाएंगे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोल। तो मैक्सिमम वैल्यू ओसीआर है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोल के लिए क्या होगी, 1,
अब वन कैसे होंगी मैक्सिमम वैल्यू, ये हो सकता है कि 10 उसने पहले कभी लिया और आज की तारीख में भी यदि उसको 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड ही मिले तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका रेशियो 1 हो जाएगा। ऐसी सोयल होंगी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोयल जो जिन्होंने पहले 10 लिया था और आज भी 10 लिया है, उस केस में वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोयल होगी और उसका रेशियो मैक्सिमम 1 आ सकता है केवल। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोयल का अगर OCR की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, बाकी और कंसोलिडेटेड सोयल में ग्रेटर देन 1 होगी। हैवीली कंसोलिडेटेड सोयल में OCR की वैल्यू ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 1 रहेगी, यानी काफ़ी बड़ी होगी 1 से। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोयल में उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी, यानी प्रेजेंट केस में भी यदि वो उतना ही लोड ले रही है तो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सोयल की मैक्सिमम वैल्यू अपन 1 मान सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की। कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो अपने को पता रहना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि किसी भी एक सोयल के ऊपर अपन एक स्ट्रेस डालते हैं और स्ट्रेस डालने के बाद में लोड डालते हैं। लोड अगर पर मीटर स्क्वायर एरिया होता है अपन उसको स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। आपके पास में अगर किसी सोयल का स्ट्रेस अगर अपन डालें उसके ऊपर और ये देखें, एक तरफ उस सोयल के वोड रेशियो को देखें और फिर वोड रेशियो और जो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू है अगर उन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो आपको ग्राफ है कुछ इस तरीके से मिलता है, डाउन होता जाएगा। पहले जैसे कि अगर अपन बात करें कि सपोज करो कि अगर कोई सोयल लूज है और अगर उसमें देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा वहाँ पे कि उसके अंदर वोड रेशियो की वैल्यू काफ़ी जितनी भी होगी लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी उस सोइल के कंपेरिजन में। सपोज करो उसकी वैल्यू सबसे पहले यहाँ ज़्यादा है और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू अपनी कम है, ठीक है। इससे पहले अपन ने जो इफेक्टिव स्ट्रेस लगाया उससे वोड रेशियो में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब धीरे 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 अपन ने इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ा दिया और देखा कि सोयल है वो कॉम्पैक्ट होती हुई जा रही है और धीरे धीरे उसके अंदर वोड रेशियो कम होते हुए चले जा रहे हैं। इस तरीके से अपन ने देखा कि जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपका वोड रेशियो कम होते हुए चला जा रहा है और पैराबोलिक टाइप में कर्व टाइप में आपको इस तरीके से मिल रहा है, कर्व टाइप में डाउन होते हुए चला जा रहा है, डिक्रीज होते हुए चला जा रहा है। अगर अपन ये कहें कि कॉफिशेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, यानी कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन तो अपन ने पढ़ ली थी कि वॉल्यूम यदि उसका चेंज हो जाता है यानी वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वो कंप्रेसिबिलिटी होता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी अगर अपन ऐसे उसको डिफाइन करें एज ए फॉर्मूले के तौर पे लिखें तो क्या होगा, उसमें ये होगा कि यदि आपका वोड रेशियो है वो आपका जो चेंज हो रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस के हिसाब से पर यूनिट इफेक्टिव स्ट्रेस के हिसाब से जो यूनिट चेंज हो रही है उसके रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे। उसको AV से डिनोट करेंगे और डेल्टा ई, यानी डेल्टा ई का मतलब क्या है, सपोज करो किसी सिग्मा 1 इफेक्टिव स्ट्रेस पे वोड रेशियो की वैल्यू E1 थी, यहाँ पे E1 थी, ठीक है, और किसी सिग्मा 2 इफेक्टिव स्ट्रेस पे इसकी वैल्यू डैश लगा रहा हूँ क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस को अपन डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका डैश है और ये आपका वोड रेशियो आ गया E2। अब मैंने देखा कि E1 में E1 पे टाइम पे आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा 1 डैश है और E2 वर्ड रेशियो के टाइम पे आपकी सिग्मा 2 डैश है, तो क्योंकि डिक्रीज हो रहा है वर्ड रेशियो तो माइनस का साइन लगा देंगे और इसको लिख देंगे E1 माइनस E2, डेल्टा ई को लिख देंगे अपन E1 माइनस E2, माइनस का साइन अपन क्योंकि आपके पास में ये वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है तो अपन इसमें क्या करेंगे माइनस का साइन लगाते हुए अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सपोज करो E2 आया तो अपन ने माइनस का साइन बाहर लगाया और इसको ब्रैकेट में ले लिया और फिर अपन ने देख लिया कि कितना डिफरेंस है आपके इफेक्टिव स्ट्रेस में। तो जैसे सपोज करो सिग्मा 2 डैश आपका ये आ गया और माइनस अपन कर देंगे सिग्मा 1 डैश, तो इस तरीके से अपने को इफेक्टिव स्ट्रेस का डिफरेंस है वो पता लग जाएगा। इस पूरे रेशियो को अपन इसे डिवाइड कर देंगे, वो आपका हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का अपने पास में कोफिशियंट निकालने का एक फॉर्मूला
आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसके बीच में ग्राफ किस किस के बीच में है, वोल्ट रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में। ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में अगर आपको अगर इस तरीके से पूछी जाती है तो आपको एक बाकायदा आपको ये ग्राफ बनाना है, और वोल्ट रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में ग्राफ है, और आपको डेफिनेशन में ये लिखना पड़ेगा कि वोल्ट रेशियो जो चेंज इन वोल्ट रेशियो ड्यू टू पर यूनिट चेंज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस है, वो आपका कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, या फिर चेंज इन वोल्ट रेशियो टू पर यूनिट चेंज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस है, वो आपका कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होगा। अगर इसको अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ए वी इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश वी, जिसको अपन ई वन माइनस ई टू डिवाइडेड बाई सिग्मा टू डैश माइनस सिग्मा वन डैश इक्वल टू माइनस लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस का सिंग साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वोल्ट रेशियो वो डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड डेफिनेशन अपने पास में एक और है, कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है। कंप्रेशन इंडेक्स का मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास में यदि जो ग्राफ अपन ने अभी खींचा था उसमें अगर अपन इफेक्टिव स्ट्रेस के ग्राफ को लॉग स्केल में खींच दे, जिसको सेमी लॉग ग्राफ अपन कहते हैं, तो जो ग्राफ आपका कंप्रेशन इंडेक्स में रिवर्स टाइप में आ रहा था वो आपका ग्राफ अब इस तरीके से आ रहा है। ये ग्राफ कब आएगा, जब अपन इफेक्टिव स्ट्रेस को लॉग स्केल में लें। लॉग स्केल में ले तो अपने को पता चलेगा कि ई वन सिग्मा सपोज करो जी वन डैश पे आपको सिग्मा जीरो डैश पे आपकी वैल्यू ई वन आ रही है, और थोड़ा सा अपन उसको इंक्रीज किया तो उसकी वैल्यू सपोज करो डेल्टा ई बढ़ गई, तो आपके इसका जो रेशियो होगा इसका वोल्ट रेशियो का और इफेक्टिव स्ट्रेस का जिसमें लॉगरिथम स्केल अपन ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आएगा, उसको अपन बोलेंगे कंप्रेशन इंडेक्स। तो कंप्रेसिबिलिटी कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और कॉफिशियंट ऑफ आपका जो सॉरी कंप्रेशन इंडेक्स में इतना सा डिफरेंस है कि अपन इफेक्टिव स्ट्रेस को लॉग स्केल पे लेके इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। इन दोनों के रेशियो को अपन कर लें तो वैल्यू आती है डेल्टा ई अपॉन लॉग 10 सिग्मा 0 प्लस सिग्मा डैश वी, यानी आगे यहाँ तक की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाई सिग्मा 0 डैश अपन ने कर दिया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे लॉग स्केल में तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लॉग अगर अपन लॉग बी माइनस लॉग ए करें तो अपन उसको लॉग बी अपॉन ए भी ले सकते हैं, तो सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा 0 डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश वी है, अगर अपन दोनों को ऐड कर दें सिग्मा 2 भी यही है एक तरीके से, और डिवाइडेड बाय आपका सिग्मा 0 डैश है, इन दोनों का डिफरेंस करके इन दोनों का रेशियो करें लॉग में ले लें तो भी आपका फॉर्मूला यही रहेगा, तो इन दोनों के रेशियो को अपन बोलेंगे कंप्रेशन इंडेक्स। अब आपके टर्जगा ही और इन्होंने पैक का एक जो है इन्होंने एक लिमिट दी है कि यदि कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स है उसको अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए तो अपन 0.09 मल्टीप्लीकेशन में डब्ल्यू लिक्विड लिमिट माइनस 10 से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अनडिस्टर्ब सॉइल का मतलब क्या है, ऐसी सॉइल जिसको अपन ने कभी अभी कोई डिस्टर्ब ही नहीं किया, नेचुरल ग्राउंडेड में जो सॉइल है जैसे अपन ने ले रखी है उसको वैसे ही सॉइल को अचीव कर लिया। एक सॉइल वो होती है जिसमें अपन क्या करते हैं कि अपन ने मिट्टी खोद के निकाल ली और उसको पूरे को डिस्टर्ब कर दिया अपन ने उसको, क्योंकि वो तो अब आपकी टूट चुकी है उसके स्ट्रक्चर, तो उस सॉइल को अपन बोलते हैं रिंग बोल्डेड सॉइल। उस केस में आपका कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेशन सॉरी कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू है वो 0.007 ब्रैकेट में लिक्विड लिमिट -10 हो जाए, तो इसमें डिफरेंस इतना है कि बस 0.009 और अनडिस्टर्ब के लिए, और रिमोल्डेड के केस में ये 0.007 है। बात आ रही है रिकम्प्रेशन इंडेक्स की, रिकम्प्रेशन इंडेक्स में भी अगर अपन देखें तो आपका रिवर्स प्रोसेस हो जाता है इसके अंदर। रिवर्स प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कि अपन ने देखा कि कई बार आपकी जो रीलोडिंग, यानी अगर आपने किसी सॉइल के ऊपर लोड लगाया, अब देखो ध्यान से सुनना, और फिर लोड लगाने के बाद में आपने उसको वापस से लोड को हटा दिया, तो जैसे जैसे अपन ने उसको रीलोड रीलोड का मतलब या तो वापस से रीलोड किया जाए हटाया और फिर वापस से अपन ने उसको लोड लगा दिया, ऐसे केस में फिर आपको जो ग्राफ मिलेगा वही वोल्ट रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का लॉग स्केल के अंदर, तो उसका जो रेशियो होगा अपन उसको रिकम्प्रेशन इंडेक्स बोलेंगे। इसका मतलब उसको रीलोडिंग अपन ने किया, तो रीलोडिंग के दौरान अपने को जो
स्लोप मिलता है उसी को अपन डिकम्प्रेशन इंडेक्स बोलेंगे। उसको सी आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, बस उसको सी और सी से रिप्रेजेंट किया था, इसको सी आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसकी वैल्यू लॉग 10 σ2′ / σ1′ हो जाएगी। और इसमें भी अपन कोफिशेंट ऑफ कंप्रेशन की वैल्यू वही लेंगे जो कि अपन ने कोफिशेंट का कंप्रेशन इंडेक्स में ली थी। जैसे नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले क्या होती हैं, तो बात क्ले की आ रही है तो मैंने वही डेफिनेशन वही रहेगी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में भी वही रहेगी कि कोई भी सोयल है वो अपने स्ट्रेस है जो उसमें वो प्रेजेंट स्ट्रेस से हायर स्ट्रेस उसको अपन दे रहे हैं, यानी प्रेजेंट में जो स्ट्रेस है वो अपन पास हिस्ट्री में जो स्ट्रेस है उससे अपन उसको ज़्यादा दे रहे हैं, वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले हो जाएगी। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में अपन क्या करेंगे कि उसको पहले उसने पास्ट में आज की प्रेजेंट स्ट्रेस से पहले उसने हायर स्ट्रेस है वो एक्सपीरियंस कर रखी है, यानी उसको पहले हायर स्ट्रेस दे रखी है, ऐसी सेवल को अपन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले कहेंगे। और अपने जैसे कि OCR की वैल्यू मैंने बता ही रखी है कि पास स्ट्रेस में और प्रेजेंट स्ट्रेस में जो रेशियो होता है उसी को अपन OCR बोलते हैं। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होती है, बहुत हायर ज़्यादा होगी कंसोलिडेटेड क्ले तो उसकी वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और यदि इक्वल टू लेस देन 1 होगी तो वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले हो जाएगी। बस ये क्ले हो रही है, वहाँ पर अपन सोइल का नाम ले देते। कोज ऑफ ओवर कंसोलिडेशन का क्या कारण है, तो ये होता है कि जैसे रिमूवल ऑफ द ओवर बर्डन, एक्सक्रीशन, इरोजन, लैंड स्लाइड एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कोई सोयल है उसके अंदर अपन ने उसके ऊपर की मिट्टी को खोद के निकाल दिया, या किसी जगह बारिश आई और मिट्टी कट के इरोज होके बह गई या लैंडस्लाइड हो गई, उस केस में क्या होगा, उस सोयल के ऊपर जो सोयल थी वो हटने से उसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो अब कम हो गया पास्ट से। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई उसके कारण क्या हो गया कि उस क्ले या सोयल के ऊपर आपका प्रेजेंट स्ट्रेस है वो आपका पास स्ट्रेस से कम हो गया। ये क्यों होता है कि रिमूवल ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि किसी ग्राउंड पे पहले कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था, अब अपन ने उसको रिमूव कर दिया, रिमूव करने से क्या हुआ कि अब उसके ऊपर से वो चीज़ हट गई है, हटने से क्या हुआ उसके ऊपर जो पास्ट में जो स्ट्रेस लग रहा था उस पे अब वो प्रेजेंट स्ट्रेस में वो आपका कम हो गया। फिर एक ऐसा ये भी हो सकता है कि वेरिएशन इन पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर में कैसा होता है, जैसे मैंने आपको नदी का उदाहरण दिया कि भाई अगर किसी जगह अगर आपका पानी भरा हुआ है, अगर आपने पानी कम हुआ तो साइड वाले साइड स्लोप में से आपके सोयल में से पानी है वो जो आपके वर्ड्स के अंदर था वो आपका कम हुआ, कम होते ही आपका पोर वाटर प्रेशर कम हो गया, यानी उस सोयल के अंदर पोर वाटर प्रेशर की क्वांटिटी पास्ट हिस्ट्री से प्रेजेंट में कम होगी। ये आपके ओवर कंसंट्रेशन के कारण भी हैं और ये आपके एग्जाम्पल भी हैं। अब टहर जगह एक आपका एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए, फिनोमेना को समझाने के लिए आपको, और एक स्प्रिंग टेस्ट का एक उदाहरण लिया, और उसने क्या किया कि एक सोयल सैंपल एक वाटर के अंदर एक स्प्रिंग डाल दी, ठीक है, और उस स्प्रिंग के पास में प्रेशर गेज लगा दिया, और उसका एक वाल है ऊपर रबर किट के ऊपर वाल है और उसके ऊपर उसने एक वाल लगा दिया, और वो वाल ओपन्ड है, इसका मतलब है कि स्प्रिंग अपनी प्राइमरी स्टेज में है। तो जैसे ये वाल ओपन है इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम में आपका इक्विलिब्रियम पोजिशन में है, और ये स्थिति वैसे ही है जैसे अपन किसी सोयल को बिफोर लोडिंग होती है, यानी लोड देने से पहले अगर सोयल अपनी सिस्टम है, सोयल का सिस्टम वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में है, उस पोजिशन में ये है आपके उस सिस्टम को दिखा रहा है। सेकंड बेस में अपन ने क्या किया कि वाल को तो क्लोज कर दिया, ठीक है, अब इसके ऊपर जो पिस्टन है यानी जो रबर का जो पिस्टन है उसके ऊपर अपन ने लोड किया और प्रेशर को इंक्रीज किया, ठीक है, और जो गेज आपका दिया हुआ है उसके ऊपर ने देखा कि लोड इंक्रीज हो गया। तो ये स्थिति कैसे है, इस स्थिति को उसी चीज से कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि किसी सोयल के ऊपर अपन ने जस्ट आफ्टर लोडिंग करी है, यानी जस्ट अभी अपन ने उसकी लोडिंग स्टार्ट करी है, वैसी कंडीशन आपकी ये हो गई है, उसको अपन ने एक स्प्रिंग को पिस्टन के अंदर फिट करके अपन ने वाल्व क्लोज करके लोड करते हैं, वैसी पोजिशन सोयल के अंदर होती है जैसे कि इसके अंदर है,
उसको अपन इस प्रैक्टिकल फिनोमेना से उसको कंपेयर कर रहे हैं। जब अपन ने वाल को खोला, ठीक है, जैसे अपन ने वाल को ओपन किया, पिस्टन स्टार्ट करा, तो मूव पिस्टन आपका मूव जो नीचे किया और उसमें से पोर वाटर जो प्रेशर है गेज में से वो रिड्यूस हो गया, यानी आपका गेज का प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया। अब आपके जो अप्लाइड जो अपन ने स्प्रिंग और वाटर पे अपन ने जो प्रेशर लगा रखा था वो आपका शेयर कर लिया गया बोथ के द्वारा। अब देखो इस चीज़ को आप समझो, इस पिस्टन के अंदर अपन ने पानी भी भर रखा, वाटर भी भर रखा है, ठीक है। अब अपन ने जैसे ही अपन ने इसको क्या किया, वाल को ओपन किया, वाल को ओपन किया तो उसके अंदर की एयर है वो निकल गई, और लोड अपन ने अप्लाई कर रखा है, लोड अपन ने अप्लाई कर रखा है। तो अब क्या हुआ कि पहले क्या था, जब अपन ने इसके ऊपर लोड लगाया था तो वाल जब क्लोज्ड था तो आपके अंदर की एयर और वाटर दोनों उस लोड को शेयर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अपन ने इस वाल को ओपन किया तो पता चला कि उसके अंदर से एयर है वो निकल रही है, और आपका जो अब जो वाल में से जो आपका लोड लग रहा है उसको वाटर, आपका जो स्प्रिंग है वो एज ए कंपेयर टू वाटर करें तो वो दोनों चीज़ आप इसको शेयर कर रही हैं लोड। और फाइनल स्टेज में देखें तो आपका जो प्रेशर गेज शो कर रहा है कि आपका यूएसटी आपका एक प्रेशर है जो कि लोड को आपका जो टेकन बाय स्प्रिंग है उसको दिखा रहा है। तो इससे अपने को पता क्या चला, देखो अमाउंट ऑफ सेटलमेंट यदि स्प्रिंग अपन डिपेंड करता है वो एक तरीके से स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग को दिखाता है, तो यानी स्प्रिंग का जितना सेटलमेंट हो रहा है वो आपकी कंप्रेसिबिलिटी है वो आपकी सोइल की रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर। और आपका जो रेट ऑफ सेटलमेंट हो रहा है वो जो आपका ओपनिंग, जैसे अपने वाल को ओपन किया उसके बाद आपका रेट ऑफ सेटलमेंट हो गया, वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि सोयल की जो परमिबिलिटी है, यानी किसी सोयल को अपन लोड करते हैं तो उसके अंदर से जो वाटर निकल के बाहर आता है उसके बाद जो सेटलमेंट होता है वो उस प्रोसेस को इसने अपने वाल खोलने के बाद में जो वाटर बाहर निकल के आएगा उस चीज़ प्रोसेस को दिखाएगा। तो इस तरीके से अपन एक स्प्रिंग एनोलॉजी है, स्प्रिंग के मदद से अपने पिस्टन में और इसके अंदर वाटर भी है और स्प्रिंग भी है, इन दोनों प्रोसेस से अपन ने ये दिखाया कि भाई किस तरीके से आपके सोयल के अंदर इस प्रोसेस को, जैसे होता है उसको अपन ने एक पिस्टन के अंदर पानी और स्प्रिंग डाल के लोड करके अपन ने उसको कंपेयर करते हुए इसको एक्सप्लेन किया। ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है, टर्जगई ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए इसको समझाया है। अब ये तो था कि आपको कंपेयर किया कि भैया ना कि सोयल के अंदर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में ऐसे कैसे होता है कि भाई स्टार्टिंग में सपोज करो, मैं वापस आपको बताता हूँ कि जैसे कि एक पिस्टन ले लिया, पिस्टन के अंदर आपने स्प्रिंग लगा रखी है और एक आपने उसके अंदर वाटर फिलअप कर रखा है और उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं लगा रखा, ये आपकी प्राइमरी स्टेज है, यानी कोई भी अर्थ जिसके अंदर वर्ड्स के अंदर आपके पानी भरा हुआ वाटर भरी हुई है और उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं रखा हुआ, तो ये आपके उसी स्थिति में जब उसको अपन कोई लोड नहीं करते। सेकेंड स्टेज में अपन ने क्या किया, वाल को तो क्लोज कर दिया और फिर अपन ने उसके ऊपर लोड लगाया, लोड जैसे लगाया तो अपन ने देखा कि जो है आपका प्रेशर वो उसमें इंक्रीज हो गया, तो अब स्प्रिंग के और वाटर के थ्रू दोनों के थ्रू लोड उसमें लगा हुआ है। ये वैसे स्टेज है जैसे अपन लोड किसी चीज़ में लगाएं सोइल के ऊपर, और लोड में फिर आपके जो पार्टिकल्स हैं सोइल के, पार्टिकल और वाटर दोनों ही उस लोड को सहन करें। थर्ड स्टेज में जैसे अपन ने उसको वाल को ओपन किया तो पानी उसमें से बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद में आपकी स्प्रिंग है वो नीचे बैठ गई। ये वैसी स्टेज है जैसे कि अगर अपन किसी सोयल के अंदर लोड बढ़ाते हैं और उसके अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है और जो पार्टिकल्स जो सोयल है वो कंप्रेस होके उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे कि कोई सोयल है, उस सोयल के अंदर अगर अपन स्प्रिंग है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है सोयल के पार्टिकल्स की कंप्रेसिबिलिटी को, और जो उसमें से वाटर जो बाहर निकल के आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस सोयल के अंदर उसकी परमेबिलिटी को। इसका मतलब है कि सोयल के अंदर में से यदि वाटर बाहर निकल के आता है तो वो एक उसकी परमेबिलिटी को शोन करता है। तो एक स्प्रिंग और पिस्टन के स्प्रिंग के मेथड से ट्राइजेगे ने सोयल के लोडिंग और इस सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। एक इसमें होता है कॉन्सोलिडेशन टेस्ट, तो कॉन्सोलिडेशन टेस्ट में अपन जो कंप्रेसिबिलिटी है उस सोयल की, उसकी करेक्टरिस्टिक्स है उसको अपन समझते हैं, जिसको अपन ऑडियोमीटर टेस्ट भी कहते हैं।
अब ये करने ये करते क्यों हैं, इसे अपन क्या पता करते हैं, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। तो इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस टेस्ट को क्यों किया जाता है? इस टेस्ट को ये अपन इसलिए कर रहे हैं कि अपने को अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन है उसको पता करना है, कि किसी भी सोयल के अंदर उसका डिफॉर्मेशन कितना होगा। फिर दूसरा कि डिफॉर्मेशन की रेट क्या रहेगी, यानी डिफॉर्म होता है तो उसकी किस रेट से वो डिफॉर्मेशन होता है। इसके लिए अपन ने क्या किया कि अपने पास एक स्पीचमैन होता है जिसको अपन ऑडियोमीटर टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर ये स्पीचमैन दिया हुआ है और इसके अंदर एक नीचे बेस प्लेट होती है, उस बेस प्लेट के अंदर आपका ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, पोर्स स्टोन लगाते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर अपने पास में यदि एक पाइप लगा हुआ है जिसके अंदर अपन उसको वाटर प्रेशर को अपन देख सकते हैं, इसके अंदर वाटर की हाइट कितनी है, वाटर प्रेशर कितना है। थर्ड अपन उसको लोडिंग अरेंजमेंट रहता है, इसके ऊपर स्पीचमैन अपना कोई भी सोयल है उसको अपन इसके अंदर फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर बेस प्लेटें होती हैं जो ग्रो टाइप की होती हैं, दोनों को ऊपर नीचे अटैच कर दिया जाता है। और ऊपर से एक लोडिंग सिस्टम लगाया हुआ था जहाँ एक्सटेंशोमीटर लगा होता है। इस एक्सटेंशोमीटर से अपन इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आता है उस डिफॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं, और टाइम के साथ अगर उसको नोट करें तो वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी अपने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा कि अपन एक सैंपल लेंगे, उसको अपन एक रिंग टू पोरस स्टोन के बीच में अपन एक रिंग के बीच में अपन उसको रख देंगे। लोडिंग बीम होती है जिसको अपन उसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे और जो एक्सटेंशोमीटर है उसके डायल गेज में अपन 0 सेट कर देंगे। फिर पहला लोड अपन उसमें 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की तरफ से अप्लाइड करेंगे और फिर अपन उसको रीडिंग को डायल गेज को 1/4, हाफ, 1, 2, 4, 8, 6 ऐसे करते हुए इन मिनट्स पे अपन रीडिंग नोट करते चले जाएंगे। फिर अपन लोड को डबल कर देंगे और फिर फाइनल डायल गेज की रीडिंग है फिर अपन लेंगे। इस तरीके से अपन लोड को डबल करते हुए अप टू अपन 6640 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक ले जाएंगे और फिर इनकी अपन रीडिंग नोट कर लेंगे। फिर अनलोडिंग करेंगे और अनलोडिंग में 3/4 लोड अपन रिमूव करते हुए इसको रीडिंग इसकी ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर अनलोडिंग इसकी क्या रीडिंग रहेगी। इस तरीके से अपन एक वर्ड रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो वर्ड रेशियो का फॉर्मूला अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, कि वर्ड रेशियो अगर अपन ने सॉलिड में अगर आपका सॉरी अपने को हाइट ऑफ सॉलिड्स निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है वो आपका जो वेट होता है डिवाइडेड बाई उसको अपन GS γW से निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से आपको पता हो तो, आपने पहले पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है भाई, अगर आपने देखा होगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर इसमें अपन इसकी जगह यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की जगह वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पुट कर दें तो अपने को ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अगर अपन इधर ले जाएं और वेट में से स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिवाइड कर दें तो अपने को ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो ये अपने को एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। इसी में से यदि अपन वर्ड रेशियो अगर अपन देखें तो उसका फाइनल वॉल्यूम कितना है, AH, और बाद में कितना रह गया, AHS। दोनों का डिफरेंस करके सॉलिड के वाली हाइट से उसको अपन वापस डिवाइड करते हैं AHS से तो अपने को इसको वर्ड रेशियो अपने को मिल जाएगा। तो H-HS डिवाइडेड बाई HS, ये वर्ड यानी उसके अंदर कितने वर्ड्स थे डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वर्ड सॉलिड के कितना वर्ड्स थे, उन दोनों का अनुपात को तो वर्ड रेशियो बोलते हैं। तो अगर उसको हाइट के कंपेरिजन में कर लें कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कितने थे और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितने थे, उसका डिफरेंस किया तो एरिया इसका कॉमन है, एक तरीके से हाइट से अपने उसका रिलेशन रह गया कि हाइट
एच थी, फिर जैसे ही वो सॉलिड पोर्शन पे उसको आया तो एच एस रह गई, तो एच माइनस एच एस अपॉन एच एस इसकी क्या रही, हाइट रह गई। तो इस तरीके से हाइट ऑफ सॉलिड मेथड से भी अपन वो रेशियो को निकाल सकते हैं। चेंज इन वो रेशियो मेथड एक और ये भी है कि डेल्टा एच अपॉन एच करें तो डेल्टा वी अपॉन वी के इक्विवेलेंट होता है, और इसको अपन डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई भी ले सकते हैं। तो डेल्टा ई की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं चेंज इन वॉइड रेशियो मेथड से। एच यहाँ पे फाइनल हाइट है, ई है वो फाइनल वॉइड रेशियो है, यानी लास्ट में जो वॉइड रेशियो मिल गया वो है। तो इस तरीके से ओडोमीटर टेस्ट से अपन इजीली तरीके से इस चीज़ को कैलकुलेशन कर सकते हैं।